बारिश का क्रम जारी, नदी नाले उफान पर, रपटों से ऊपर बहा पानी। जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक संपन्न, जन कल्याणकारी विकास मूलक योजनाओं तथा कार्यक्रमों पर हुई चर्चा। नगर निगम द्वारा आयोजित कराई जाएंगी खेल स्पर्धाएं, स्वच्छता अभियान जागरूकता का लिया संकल्प। और युवा उत्सव में कला पक्ष के रंग, एकल गान और समूह गान प्रतियोगिताएं संपन्न। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं संस्कृति जैन। और अब खबरें विस्तार से। आज सुबह से शुरू हुई झमाझम बारिश से जिले सहित शहर में जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। सुबह से जारी भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर रहे। संचार कॉलोनी के पास बोदरी नदी में पूर आ जाने से गुरैया रोड बंद हो गया। नदी में पूर की वजह से लगभग 3 घंटे तक गुरैया रोड बंद रहा। दोनों ओर लंबा जाम लगा रहा और आमजन परेशान होते रहे। आज हुई झमाझम बारिश से जहां नदी नाले उफान पर हैं, वहीं बारिश से मकानों को हुई क्षति की खबरें भी हैं। आज बारिश के चलते खिरकापुरा निवासी रूपलाल खड़के का मकान क्षतिग्रस्त हुआ है। मकान मालिक के अनुसार उसका हजारों का नुकसान हुआ है। क्या हुआ बता लो? कैसे क्या क्या नुकसान हुआ? कितने का लीपता? 50। मोहल्ला कौन सा है? खेल महोत्सव के आयोजन एवं व्यवस्थाओं को लेकर आज जिला ओलंपिक संघ के कार्यालय में बैठक आयोजित की गई। बैठक में विधायक एवं पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रवान सिंह, महापौर कांता सदारंग, सांसद के निज सचिव जेपी सिंह, खेल प्रोत्साहक एवं समाज सेवी इंद्रजीत सिंह बैस मुख्य रूप से उपस्थित हुए। जोड़ेंगे कि किसको उद्घाटन और समापन किस तरीके से किया जाए। इस बार भी विधायक की मंशा है कि कोई बड़ा गैला हमें आयोजन की, मैं सीधे विनम्र अनुरोध करूँ आदरणीय विधायक से इस बैठक से विधायक सभी लोगों का आप खेल एवं सांस्कृतिक महोत्सव 2017 जो हर वर्ष विगत 2 वर्ष से छिंदवाड़ा में संपन्न होने जा रहा और बहुत अच्छा प्रतिसाद इसको खिलाड़ियों से ही मिला, जनता से ही मिला। और पुनः 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक छिंदवाड़ा में खेल महोत्सव और सांस्कृतिक कार्यक्रम का उत्सव का कार्यक्रम यहाँ पर होगा। उसी की प्रथम बैठक तैयारी के रूप में अभी से उसकी अच्छी तैयारियाँ हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जितने हमारे खेल हैं
खेल में भाग लें, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लें। उसकी आज तैयारी, आज उसकी प्रथम बैठक है और बड़ी संख्या में सभी जो खेल संघ के लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं अभी से सभी जो खेल प्रेमी बंधु उनसे निवेदन है। नगर निगम कार्यालय में आज स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत स्वच्छता शपथ ली गई। अधिकारी कर्मचारियों के साथ जनप्रतिनिधियों ने गंदगी ना फैलाने और स्वच्छता बनाने की शपथ लेते हुए भारत के नव निर्माण का संकल्प लिया। कार्यालय में स्वच्छता के प्रति सजग रहेंगे, उसके लिए समय भी देंगे, अपने बैठने की जगह को साफ रखेंगे, स्वयं श्रमदान करके स्वच्छता के संकल्प को स्वीकार करेंगे, ऑफिस में ना स्वयं गंदगी करेंगे, ना ही करने देंगे, कार्यालय के शौचालय को साफ व स्वच्छ रखने में सहयोग करेंगे। धन्यवाद। स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत राज शासन ने कार्यालय को स्वच्छ रखने हेतु साफ सफाई के लिए शपथ का प्रारूप भेजा है, जिसके अंतर्गत आज सभी कर्मचारियों को स्वच्छता संबंधी शपथ दिलाई गई। जिला पंचायत सभा कक्ष में आज सामान्य सभा की बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष कांता ठाकुर, सीईओ रोहित सिंह, विधायक नाना भाव माहौर सहित समिति सदस्य उपस्थित थे। बैठक में विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा के साथ निर्णय लिए गए। मेरा भाई बहुत ज्यादा खराब कंडीशन में, उनकी आप किसी डॉक्टर को पहुंचाती हूँ, उनका जांच करवा दीजिए। तो सबका कहना पड़ा कि मैडम मैं अभी किसी को पहुंचा रहा हूँ। मैं 3 बजे से लेकर 6 बजे तक जिला अस्पताल में बैठी रही, वहाँ कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई नहीं आया हॉस्पिटल में। सर मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए, वहाँ कोई नहीं आया हॉस्पिटल में। 8:30 बजे मेरे चाचा गठिया जी के पर्सनल क्लिनिक में मेरे भाई को लेकर गए, वहां भी उन्होंने कहा कि बोले इन्हें कुछ नहीं हुआ। मेरे बड़े पिताजी ने ये रिपोर्ट दी कि इन्हें डेंगू हो सकता है। जब वहां से लैब की रिपोर्ट लेकर हमारे पिताजी डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर का कहना था कि इन्हें कुछ नहीं है, नॉर्मल है, बोले ये कोई रिपोर्ट पड़ नहीं है। मुझे डर पता क्या बताएगा, उन्हें कुछ नहीं पता, बड़े नॉर्मल है। उन्होंने ये जवाब दिया 8:30 के आसपास। जब मेरे भाई को विद्यालयों में इन दिनों युवा उत्सव की धूम है। साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ खेलकूद स्पर्धाओं का आयोजन भी जारी है। आज इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज में युवा महोत्सव के अंतर्गत गायन स्पर्धाएं संपन्न हुई। Thank you.
के जैन ने आज राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर राजस्व प्रकरणों के शीघ्र निराकरण हेतु दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर जेके जैन ने कहा कि राजस्व अधिकारी जल्द से जल्द प्रकरणों को RCMS में अपलोड करें और उनका शीघ्र निराकरण करें। बैठक में जिले भर के राजस्व अधिकारी उपस्थित हुए। उसके बावजूद ये स्थिति है, RCMS में संपूर्ण प्रकरणों को दर्ज करना, राजस्व प्रकरणों का वर्षवार पंजीयन, निराकरण की स्थिति, निराकरण की गुणवत्ता, प्रक्रियात्मक त्रुटियां, अदम फैले हुए खारिज प्रकरणों की संख्या। दूसरा, मैंने आप लोगों को जो पर्सनली जिनसे इंटरेक्शन हुआ उनको बताया था, वकील से बचा ले जाओगे, क्या पक्षकार से बचा ले जाओगे, क्या आप अपने दायरा पंजी से बचा ले जाओगे, क्या आपकी वार्ड सूची से बचा ले जाओगे, क्या आप RCMS से बचा ले जाओगे, कहाँ से बचा ले जाओगे, मतलब आप कितने जगहों से उसको बांधोगे, आप उनको रेस्टोर कर लीजिए। अगर भी इस तरह का प्रावधान रहता है उसमें डिस्क्रिप्शन भी रहता है, नहीं तो अपन हमेशा लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 का हवाला देते हुए हर केस को खारिज करते हैं, पर हम नहीं करते कि भाई आप 45 दिन में, क्योंकि हम लोग भी जानते हैं अल्टीमेटली वी आर द टूल्स फॉर डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस इतने बैकग्राउंड के बाद में, क्योंकि हम निलंबन से ईश्वर ही बचाएगा। किन किन ने अपने सभी पुराने प्रकरण दर्ज कर लिए, जिन्होंने नहीं किए, मैंने तो कर लिए। स्वर्गीय मेजर अमित ठेंगे एजुकेशन सोसाइटी द्वारा आज विद्यानिकेतन स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन का आयोजन किया गया। बैड टच गुड टच सब्जेक्ट पर बच्चों ने कैनवास पर अपनी कल्पनाओं को आकृति देकर रंग भरे। आज हमने बच्चों को वर्कशीट्स दी हुई है, 4 तरीके की वर्कशीट्स है। एक वर्कशीट में एक डॉल बनी हुई है जिसमें कि हमने बच्चों को बताया कि यहाँ पर वो पार्ट्स को आप कलर कीजिए जो आप कवर रखते हैं, और इसके माध्यम से बच्चों को ये बताया कि बॉडी पार्ट्स जो हम कवर करके रखते हैं दे आर अवर प्राइवेट पार्ट्स, इनको कोई भी टच नहीं कर सकता, देख नहीं सकता, अगर कोई ऐसा करता है तो उनको अपने पेरेंट्स को बताना है। एक वर्कशीट है जिसमें लिखा हुआ है माई बॉडी बिलोंग्स टू मी, बच्चों ने उसको नंबर्स को कनेक्ट करके ये पूरा बनाया, तो उससे बच्चों को ये पता चला कि ये जो हमारी बॉडी है ये हमारी प्रॉपर्टी है, हमें कोई मार नहीं सकता, कोई नोच नहीं सकता, अननेसेसरी अगर कोई ऐसा करता है तो हमको बताया। भारतीय मजदूर संघ की जिला इकाई की सदस्यों की अहम बैठक आज पेंशनर सदन में आयोजित की गई। मजदूर संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों की उपस्थिति में विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्श कर समाधान हेतु कार्य योजना बनाई गई, ताकि वहाँ पर वो रह सके। और उस बैठक में ये भी बातचीत सामने आई कि जो हमारे लोग मतलब वहाँ पहुँचते हैं तो कम से कम सुलभ की व्यवस्था भी वहाँ पर लोगों को हो जाए, तो इस विषय में भी यह बात ऊपर तक पहुँचाने का प्रयास किया, और जहाँ तक हो सके ये व्यवस्था भी वहाँ पर होगी।
और उन्होंने धनराशि भी मतलब हर प्रदेशों से इस बड़े बहुत बड़े कार्यक्रम होने के 3 लाख की संख्या निर्धारित की गई है, जिसमें कि अपना छिंदवाड़ा जिला जो है उसको 1000 की संख्या दी गई, ऐसे कई जिले हैं और उनके माध्यम से भी यह जो आंदोलन है उसके अंतर्गत में आपने एक बार नहीं कई बार ऐसे आंदोलन चाहे किसी की भी गवर्नमेंट रही हो उसके सामने आपने यह उदाहरण प्रस्तुत किया भारतीय मजदूर संघ ने, और उस उदाहरण के तहत इस सरकार की जो लगातार नीति हम देखने में आ रहे हैं कि समय समय पर जो भी समय है एकदम से भारतीय मजदूर संघ ने कोई यह आंदोलन की नीति नहीं अपनाया, बहुत समय देते हुए यह नीति है कि हमने समय सरकार को भरपूर समय मजदूर संघ की छिंदवाड़ा जिले की बैठक आयोजित की गई, जिसमें हमारे भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री डॉक्टर कुलकर्णी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, और उसमें ये तय किया गया है कि केंद्रीय सरकार जो मजदूर विरोधी नीति आयोग के माध्यम से मजदूरों पर कुठाराघात कर रही है उसके विरुद्ध भारतीय मजदूर संघ 17 नवंबर को दिल्ली में एक विशाल धरना प्रदर्शन करने जा रहा है, और उसमें पूरे देश से लगभग 5 से 7 लाख लोग उसमें इकट्ठा होंगे लाल किले पर, और उसी के तहत यहाँ पर बैठक का विचार विमर्श हो रहा है। हमारे ज़िले से लगभग 1000 मजदूर कर्मचारी दिल्ली पहुँचेंगे और नीति आयोग के खिलाफ शासन के खिलाफ एक धरना प्रदर्शन करेंगे। सार्वजनिक श्री रामलीला मंडल के तत्वाधान में श्री राम मंदिर परिसर छोटा बाजार में श्री रामलीला का मंचन प्रारंभ है। अपने 129 वर्षों के ऐतिहासिक प्रदर्शन की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए कलाकारों द्वारा श्री राम की भक्ति की जा रही है। 19 सितंबर की रात धनुष यज्ञ का सुंदर एवं आकर्षक प्रस्तुतिकरण किया गया। पानी बना करते हैं, परिंदों के जला करते हैं, जिसके सामने मैं लोग विजयी लंकापति राहुल रावण पुरी में सिंह तय है देश देश के रानों को अरे विधराज देवता क्या करते हैं चर्चा करी परिचय दिया जाए सामने लंकावती रावण के सामने ये कौन का क्या तुम ये अपमान हुआ उचित होगा आखिरी इस सभा का सभापति हूँ, इसी नाते मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं सभी का परिचय ज्ञात करूँ। वहां पर अरे मैं तो समझा कि कोई बड़ा भारी योद्धा है, लेकिन मेरे सामने एक मच्छर के तुल्य है, मच्छर के तुल्य। वो सब तो ठीक है महाशय, अब आप अपना परिचय दीजिए। ठीक है, मेरा परिचय ध्यान पूर्वक कान लगाकर सुनो। नहीं कई बार बड़े बड़े दिनों को पार किया है। मैं हूँ लंकापति रावण, बच्चों ने अपने घुड़साल को बांध दिया था और उसके सिर पर और तू है बस दिए जला के दिए। एक रावण रह था जो मेरे पिताजी को जीत ले पाताल गया, लेकिन पुरस्त मुनि ने बड़ी ही कठिनाइयों से उसे छुड़ाया। एक रावण
हे बोरिस कर जो कर ले कैलाश लियो अब कस के नाक सिकोरत है भाई तालन दीस बजा जा रहा है झुके जानू को नक जोरत है हिले एक हिले तले एक हिले ना हिले बचता वैसे पीस के दातन तोरत है मन को हमरे में सुना तो भैया मन का तो महोस मोरत है खतरे का प्रयास करती है तनिक बात हिलता भी नहीं लंकापति रावण का हाथ धनुष को उठाने में दब जाता है क्या हुआ रावण क्या शक्ति छीन हो गई क्या कर बल लगा दू ओ बारिश एक तो नहीं यह जाप मेरे गुरु का है मैं इसका दर्शन कर रहा हूँ इसका दर्शन कर रहा हूँ। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। आइए अब एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सुर्खियों के बाद आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। बारिश का क्रम जारी, नदी नाले उफान पर, रपटों से ऊपर बहा पानी। जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक संपन्न, जन कल्याणकारी विकास मूलक योजनाओं तथा कार्यक्रमों पर हुई चर्चा। नगर निगम द्वारा आयोजित कराई जाएंगी खेल स्पर्धाएं, स्वच्छता अभियान जागरूकता का लिया संकल्प। और युवा उत्सव में कला पक्ष के रंग, एकल गान और समूह गान प्रतियोगिताएं संपन्न। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।